नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एवरीडे इज़ लाइफ में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं करी पत्ता का सेवन जितना हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही हमारी स्किन और बालों के लिए भी लाभकारी होता है। ये हम सभी के भोजन का एक अहम हिस्सा है। हम अपनी दाल, करी और सब्जियों में तड़का लगाने के लिए करी पत्ता काफ़ी हद तक इस्तेमाल करते हैं। ये न सिर्फ उनके टेस्ट को बढ़ाता बल्कि कई हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है। इसके अलावा स्किन और बालों से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने के लिए भी करी पत्ते का इस्तेमाल एक घरेलू नुस्खे के तरह किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि करी पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, साथ ही इसमें विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे ज़रूरी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बालों की लंबाई बढ़ाने में भी करी पत्ता बहुत ज़्यादा फायदेमंद है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिन लोगों के बाल नहीं बढ़ते हैं, बहुत झड़ते हैं और उनकी जगह नए बाल नहीं उगते हैं, वो अगर बालों में करी पत्ता लगाते हैं तो उन्हें लगभग सभी परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। बस आपको सही तरीके से बालों में इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जल्दी बाल बढ़ाने के लिए करी पत्ते का इस्तेमाल कैसे करें। आइए जानते हैं इस वीडियो में करी पत्ते का इस्तेमाल अपने बालों में तेल के रूप में कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कुछ करी पत्ते। उन करी पत्तों को आप अच्छे से धो के साफ करके और सुखो लें। और आपको चाहिए सरसों तेल। आप सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप एक पैन को गैस पर चढ़ाइए और उसमें अपने तेल को डाल दीजिए। आपको जितना तेल बनाना है आप उस क्वांटिटी में तेल को डाल सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप उसमें करी पत्ते को डाल दीजिए। करी पत्ते को तेल में तब तक पकाइए जब तक करी पत्ता अपने सारे गुण को तेल के अंदर ना छोड़ दे। करी पत्ता जब तक काला ना हो जाए इसे तेल के साथ अच्छे से पकाइए। और जब तक ये पक रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। आपको मेरे चैनल पे ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं करी पत्ता कितने अच्छे से तेल के साथ पक गया है और ये काला भी हो गया। इसका मतलब करी पत्ते ने अपने सारा गुड़ जो है वो तेल में अंदर छोड़ दिया है। अब इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक कटोरी या किसी और बॉटल में आप इसे स्ट्रेन कर लें और आप इसे 1-2 वीक के लिए भी बना सकते हैं। और ये तेल जो है आपका बिल्कुल तैयार है अपने बालों में लगाने के लिए। नहाने से पहले आप ये तेल अपने बालों में लगाइए और उसके बाद इसे अच्छे शैम्पू से वॉश करिए। आइए मैं इसे बालों में लगाकर दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तेल को अपने सर पे, अपने बालों में मेल और फीमेल दोनों लगा सकते हैं। आपको करना ये है कि अपने बालों की जड़ों में इसे अच्छे से लगाना है। अच्छे से मांग निकाल कर और अपनी उंगलियाँ डिप करके इसे अच्छे से लगाइए जैसे मैं लगा रही हूँ, और एक अच्छी सी मसाज दीजिए ताकि ये आपके जड़ों में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद एक अच्छे से शैम्पू से अपना हेयर वॉश कीजिए और हफ्ते में 1-2 बार ये तेल अपने बालों में ज़रूर लगाइए। इससे आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने के लिए एवरीडे इज़ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।